नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको ASO भर्ती एग्ज़ाम 2021 यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती संबंधित अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। और क्या कुछ खास है इस वीडियो में, देखिए यहाँ मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो किसी न किसी भर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि संगणक भर्ती ASO एग्ज़ाम 2018, ASO 2021 यानी कि संघ विभाग की जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके अलावा मैं अदर स्टेट के भी पेपर लेके आऊँगा, UP BR अदर स्टेट में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फाइनली आपने देखा होगा 2018 का पेपर देखा होगा, वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जो ना किसी चैनल पे है ना कहीं ऐप में है और ना उस तरह का कोई सोल्यूशन हो रहा है। प्रश्न का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ASO एक काफ़ी अच्छी भर्ती है और ये बहुत अच्छी जॉब है और 218 यहाँ पोस्ट है, 28,000 के समथिंग फॉर्म है, तो ऐसे में कंपटीशन भी थोड़ा टफ है। तो किस प्रकार तैयारी करनी है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको 8 जुलाई तक, यानी कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट है वो 8 जुलाई है, 8 जुलाई को ये पेपर है और फाइनली 8 जुलाई को ही होगा और 9 जुलाई को वीडियो मेंस पेपर है। जैसे मैं जो अभी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो वो किसकी तैयारी करें ये पहले वो देख लें। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न कॉलेज के लिखी हुई यहाँ पर है और प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर करता है। देखिए एक प्रश्नावली होती है, एक अनुसूची होती है, दोनों में काम एक ही है, डिफरेंट क्या है। प्रश्नावली वो है जो इसमें घर पे भेजते हैं अपन डाक के द्वारा, वहाँ पर दोनों का पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर अनुसूची जो भरने वाला प्रगणक होता है वो जो सूची से सूचियाँ भरवाता है, जिससे पूछताछ करता है, उससे सीधा कांटेक्ट है यहाँ पर। तो ये समय ये अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट है, बट ये थोड़ी सी महंगी है और इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर्सनली जाना पड़ता है, ऐसे में थोड़ी महंगी भी है, लेकिन सबसे अच्छी अनुसूची है प्राथमिक समक के लिए। दूसरा प्रश्न की बात करें अपन, तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, सबसे अच्छी जो रीति है। फिर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन संगणक में पूछा गया है, ये इन्वेस्टिगेटर भर्ती में पूछा गया है, ये आर ए का मतलब रिसर्च असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पाई चार्ट होता है, आपने देखा होगा पाई चार्ट, यानी कि जिसे हम वृत्त आलेख कहते हैं, सर्किल ग्राफ है ये, द्विआयामी नहीं है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑप्शन लिखने में। आपको हर डेली एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो किसी न किसी भर्ती एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कार्टोग्राम को अपन हिंदी में मानचित्र कहते हैं और ये संगणक भर्ती और संगणकर्ता भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा प्रश्न है और 6 वैल्यू यहाँ दे रखी है, चल माध्य विधि ज्ञात करनी है। चल माध्य विधि में क्या होता है, प्रथम 3 लेके उनमें 3 का भाग देते हैं, उसको फिर एक को छोड़ देते हैं, फिर B+C+D, ऐसे में यहाँ पर कुल 4 मान प्राप्त होंगे। तो 3 वर्षीय चल माध्य कौन से होगी, देखिए 3 वर्षीय लिखा है इसलिए 3 का भाग दे रहे हैं, यदि 4 वर्षीय होता तो 4 का भाग देते। कितने को चेंज करना है, ये कितना वर्ष दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ASO की तैयारी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है और लंबे समय बाद में ये भर्ती आई है, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।